हेलो स्टूडेंट्स, यार बच्चे मुझसे एक बात बोल रहे हैं, सर हम क्वांट्स पढ़ रहे हैं, हम वर्बल पढ़ रहे हैं, हम एलआरडीए के मॉक्स दे रहे हैं, बट जीके हमने कुछ नहीं किया है। तो क्या आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कि इंडिविजुअली आईएफटी के लिए, स्नैप के लिए, टिस्क के लिए और सीमैट के लिए जीके कैसे प्रिपेयर करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस क्या कहता है। तो माय नेम इज सौरभ कोठारी, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे हाउ टू प्रिपेयर योर जीके फॉर आईएफटी, स्नैप, टिस एंड सीमैट एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं आईएफटी से। तो बच्चों अगर आईएफटी की बात करूँ तो लास्ट के 5 साल का एनालिसिस देखो क्या कहता है। मैंने भाई पूरा एक पाई चार्ट आपके सामने दिखा दिया है जिसमें भाई आपको पता चलता है कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के ऊपर 19% क्वेश्चन आए हुए हैं, वर्ल्ड जीके पर 19% है, फिर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस, फिर रीजनल कंट्रीज जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, फिर आप देखोगे इंडियन जीके जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम के ऊपर उसके ऊपर हमने क्वेश्चन देखे हैं, गवर्नमेंट स्कीम से 5% क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स का 9% कंटेंट रहा है, ज्योग्राफी और ब्रांड्स के ऊपर 7% रहा है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है क्योंकि आईएफटी जैसे एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शनल कट ऑफ आती है तो अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं है तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको भाई डिटेल में बता रहा हूं कि जो जो 5 साल में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बेसिस पे इस साल आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की तो भाई स्पोर्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो भाई जैसे आपको पता है इस साल एशियन गेम्स हुए हैं, उससे पहले भाई ओलंपिक्स हुए थे, तो इन सब में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन कौन विनर्स रहे थे, इंडिया ने कौन से अवार्ड जीते, इंडिया के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे जिनको अवार्ड मिला वो आपको पढ़ना है। उसके बाद भाई स्पोर्ट्स में आपको मेजर मेजर अवार्ड कौन से मिलते हैं, इस बार अर्जुन अवार्ड किसे मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला है। उसके बाद भाई फ्यूचर होस्ट, भाई फुटबॉल का अगला वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कौन सी स्पोर्ट कौन सी कंट्री का है, भाई आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री का कौन सा नेशनल गेम है। एंड देन आपका आता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए हेड ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपसे मैं बोल सकता हूँ ब्रिक्स बैंक जो है उसका हेड कौन है, IMF का हेड कौन है, वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है। उसके अलावा भाई जो आपका बड़े बड़े बॉडीज हैं जैसे ब्रिक्स हो गया या फिर भाई नाटो हो गया, इनका कौन कौन चेयरमैन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भाई हमारी कंट्री का कैबिनेट एंड उनका पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है। उसके बाद भाई गवर्नमेंट पोजीशंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी नई गवर्नमेंट पोजीशन है जिसपे कोई लीडर अपॉइंट हुआ है, जैसे लोकसभा की एथिक्स कमेटी जो है उस पर भाई कौन बनाया नया चेयरमैन। उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड उनके निकनेम्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे आपको पता है कि इस साल भाई जो नेल्सन मंडेला है उसके ऊपर डेकेड ऑफ पीस डिक्लेयर हुआ है, तो नेल्सन मंडेला का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है उनका मदीबा, मदीबा बोला जाता था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड जीके की अगर बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल इवेंट कौन कौन सी कंट्री में हुए हैं, क्या रहा है ट्रेड वॉर, कौन कौन सी कंट्रीज के ऊपर सेंक्शन लगे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिकल ग्रुप कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिकल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका G8 है, G7 है, उनकी मीटिंग में क्या हुआ है। उसके बाद UN की अभी मीटिंग हुई है, वहाँ पे कौन कौन से लीडर्स आए हैं, क्या क्या डिस्कशन हुआ है, उनका थीम क्या था। आसियान का जो इवेंट हुआ है अभी, आसियान का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ है, उसका वेन्यू क्या था, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो भाई आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, उनके लेटेस्ट मेंबर कौन ऐड हुए हैं, लास्ट कंट्री कौन है जो UN में ऐड हुई है। उसके बाद भाई इंपॉर्टेंट सबमिट कौन कौन सी हुई है, उन सबमिट्स में वेन्यू क्या था, क्या डिस्कशन हुआ था। उसके बाद अगर बात करूँ आपसे बिजनेस के क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट मर्जर्स कौन कौन से हुए हैं, इंपॉर्टेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस क्या क्या रही हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ क्या रही हैं, कौन से CEO ने कौन सा पोजिशन छोड़ा है या फिर कोई नया बैंक है जिसका भाई नया पोजिशन बना है जिन्होंने, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हो गया जिसमें भाई हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लोग रहे हैं जो हाईलाइटेड रहे हैं, जैसे ICICI बैंक के जो टॉप मैनेजमेंट है वो हाईलाइटेड रहे हैं, तो कौन कौन सी पोजीशन पे है। उसके बाद फोर्ब्स के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल कौन कौन से, तो फोर्ब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया और वर्ल्ड के। उसके बाद नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन अपॉइंट हुए हैं एंड भाई कौन कौन से प्रोडक्ट के अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद कोई ऐसा बिजनेस लीडर जिसने अपनी कोई बायोग्राफी लिखी हो वो काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बुक्स एंड ऑथर्स की, तो बुक्स एंड ऑथर्स में क्या क्या पूछ रहा है वो,
सबसे पहले मेन मेन जो अवार्ड होते हैं जैसे मैन बुकर प्राइज वगैरह है, ये किसको मिले हैं, उसके बाद भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं, जिनकी कोई बुक बैन हुई है, या फिर कोई ऐसे ऑथर जिन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, किसी बड़े लीडर ने बुक लिखी हो, कोई प्राइम मिनिस्टर की बुक आई हो, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको बुक्स एंड ऑथर्स में देखने हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एंड स्कीम्स में यही सब चीजें कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, किसकी क्या फुल फॉर्म है, जैसे उड़ान है, उड़ान की क्या फुल फॉर्म है, इसी तरह से और कौन कौन सी स्कीम्स है जिनका क्या क्या मोटो है, ये आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद इंडिया जीके में आपको देखना है भाई हाईएस्ट लॉन्गेस्ट, उसके बाद हेड ऑफ स्टेट्स कौन कौन है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुए हैं, नेशनल अवार्ड किस किस को मिले हैं, उसके बाद भाई जैसे हमारा नेशनल एम्बलम है वो कहाँ से लिया गया है, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपके एंटरटेनमेंट में, तो एंटरटेनमेंट में हमें पता है अवार्ड्स पता होना चाहिए, या फिर जैसे लेटेस्ट ऑस्कर किसको मिले हैं, नेशनल अवार्ड किसे मिले हैं, फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिले हैं, या फिर कोई ऐसी मूवी जो कहीं बड़े इवेंट में नॉमिनेट हुई हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको देखने हैं। उसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात करें, जो ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो आते हैं रिवर्स और लेक्स के ऊपर कि ये कहाँ पे है, तो वो क्वेश्चंस आपको देखने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आउट ऑफ दीज ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो आपको बताना होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं नेशनल सेंचुरीज, ये वाली सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, या ये वाला जो वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने पड़ेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्नैप का एनालिसिस करें, तो स्नैप में भाई क्या रहता है, बहुत सिंपल सा फंडा है, वो लास्ट ईयर और करंट ईयर इन 2 साल की वो सारी की सारी करंट अफेयर्स को जज करता है। करंट अफेयर्स में आपके भाई सारी के सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट डेज क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट डेज के बाद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन कौन से रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स कौन से हुए हैं, इंडिया ने कोई ऐसे इंपैक्टफुल काम करे हो, या फिर जो आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी चेंज हुए हैं तो वो कौन है, उससे पहले कौन थे। तो एक चीज़ जो आपके साथ गुड है वो ये है कि आपको लास्ट 2 साल की करंट अफेयर्स पढ़नी है, स्पेसिफिकली मैंशन है, उसके अलावा और कुछ नहीं आता, स्टैटिक जीके नहीं पूछा जाता यहाँ पे। तो जितनी भी लास्ट 2 साल में इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं हमारे चैनल पे लगातार भाई इसकी वीडियोस आती रहती हैं, करंट अफेयर्स की, लास्ट ईयर की करंट अफेयर्स की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो लास्ट ईयर की करंट अफेयर्स और इस साल की जो वीडियोस आ रही हैं उनको देख लोगे तो यू विल बी भाई फुल्ली प्रिपेयर्ड कि हाँ ये चीजें मुझे करनी है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना। अगर मैं टिस्क की बात करूं तो भाई टिस्क का पेपर काफी ज्यादा मिक्स एंड मैच रहता है, जिसमें आपका करंट भी आता है और करंट के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी बहुत पूछा जाता है। अब इसको करना कैसे ये एक अपने आप में चैलेंज है, तो भाई ये चीज़ ध्यान रखना कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके बहुत वास्ट है, लेकिन जो मेजर पोर्शन रहता है आप स्टैटिक में देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर का रहता है। उसके बाद भाई पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री पूछता है वो, हिस्ट्री के बाद अगर आप देखोगे लिटरेचर के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा कहाँ का डांस फॉर्म है, या फिर ये वाली बुक किसने लिखी है, किसको किस बुक के लिए अवार्ड दिया गया था, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो सोशल साइड हो। और करंट अफेयर्स में अगर आप देखोगे तो जय सुप्रीम कोर्ट के जो रीसेंट डिसीजंस आए हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, किसके अगेंस्ट में क्या डिसीजन गया है, तो लास्ट ईयर का जो मैंने टिस्क का एनालिसिस डाला हुआ है वो पूरा डिटेल में देख लेना, उसमें मैंने मेजर मेजर क्वेश्चन बताए हैं किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो वो आप ध्यान से देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद भाई करंट अफेयर्स में आपको सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट भाई रीजनल एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, कौन से स्टेट में कोई लॉ इंप्लीमेंट हुआ हो, या फिर कंट्री वाइड लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च हुई हो, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या आ रही हैं, गवर्नमेंट में क्या क्या आने वाले ऑब्जेक्टिव्स है, तो टिस्क के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड भाई सेम गोज फॉर द सी मैट, तो सी मैट में भी मिक्स एंड मैच आता है स्टैटिक और करंट का। तो अब बात आती है कि इन सब की प्रिपरेशन कैसे होगी, तो प्रिपरेशन के लिए भाई हमारा पूरा पूरा पेनड्राइव कोर्स है जीके का, जिसमें मैं भाई कवरेज देता हूं आपको आईएफटी एग्जाम की, आईएफटी के बाद स्नैप, उसके साथ टिस्क, सी मैट एंड बाकी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें कुछ भी जीके का पोर्शन आता है, तो पूरा का पूरा कोर्स है जिसमें भाई आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस इंडिया, साइंस, फिजिक, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबमिट्स कौन कौन से हुए, मीटिंग कौन सी है, करंट अफेयर लास्ट ईयर और इस साल की, तो सारा का सारा कंटेंट जो है आपको वीडियो फॉर्म में मिलता है। एक एक टॉपिक वीडियो में है जिसमें सारी की सारी वीडियोज मैंने प्रिपेयर करी हैं टू द पॉइंट क्रिस्प कंटेंट, ताकि इसके बाद आपको कोई बुक फॉलो ना करनी पड़े, कुछ और ना रिकमेंड करना पड़े, बस इतना करके चले जाओगे तो डेफिनेटली यू विल क्लियर द कट ऑफ। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो जो कोर्स का डिटेल है वो ये है कि भाई मैंने जो वीडियोस बनाई है सारी के सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है, ताकि कोई भी एक भी टॉपिक मिस ना हो। उसके अलावा भाई
जो करंट अफेयर्स की लेटेस्ट वीडियो है वो ऑटोमेटिकली आपके पेन ड्राइव में अपडेट होती रहेगी सॉफ्टवेयर के थ्रू, ताकि आपके आने वाले टाइम में कुछ मिस ना हो। जो इसका कॉस्ट है डेट इज ₹4,000, जिसमें भाई आपको सारे के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, एंड कितनी बार भी आप वीडियो को प्ले कर सकते हो। तो सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अगर आप पेन ड्राइव ऑर्डर करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पे, आई विल सेंड यू द कंप्लीट डिटेल्स, एंड भाई उसके बाद यू विल स्टार्ट योर जीके प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।